बहुत समय पहले की बात है, धनपुर नाम के गांव में मीरा अपने पति रामप्रसाद, दो बच्चे रिया और मोहन के साथ रहती थी। रामप्रसाद और मीरा ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, तो वो इसीलिए घर से दूर रहते थे। शादी के कुछ साल बाद रामप्रसाद चल बसा। रामप्रसाद के गुजर जाने के बाद मीरा अपने बच्चों को लेकर अपने सास ससुर के घर रहने चली गई, जहाँ पर मीरा के सास ससुर देवर देवरानी और उनका बेटा महेश रहता था। जैसे ही मीरा अपने बच्चों के साथ ससुराल रहने चली गई, तो सभी ने उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया था। मीरा को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले, इसीलिए सब ने मीरा को अपने बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। अब मीरा गांव में एक छोटे से घर में रहने लगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन उस गांव में बहुत बारिश होने लगी। बारिश ज्यादा होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूब रहा था। सब लोग घर छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। जिनके घर बड़े थे वो अपने घर के छतों पर जाकर बैठ गए। उस बाढ़ में मीरा की झोपड़ी बह गई। मीरा जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर फिर से अपने ससुराल जाती है कि शायद इस हालत में उसे वहाँ कुछ दिन रहने को मिल जाए। लेकिन मीरा को देखकर वहाँ किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ जी, माँ जी, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, हमारा घर भी बह चुका है, हमें कुछ दिन तक घर में रहने दीजिए ना माँ जी, प्लीज़ माँ जी। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे ओ मीरा की बच्ची, निकल जा यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ दरवाज़ा मत खटखटा, पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब हमें भी खाना है क्या, कल मुही कही की, चल निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज़ हमें आज रात तक यहाँ रहने दीजिए, हम कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, पूरे गांव में सब तरफ पानी भरा है, इसीलिए आप मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने दीजिए, प्लीज़ माँ जी। बिल्कुल नहीं, तुम हमारे घर में नहीं आ सकती, घर में घुसकर चोरी कर ली तो, चलो निकलो यहाँ से, चोर कही की। माँ जी हम चोरी क्यों करेंगे, ठीक है मुझे नहीं, लेकिन आपके पोता पोती को तो यहाँ रहने दो। मीरा के ऐसे कहते ही अंदर से ससुर जी, ए मीरा की बच्ची, ज्यादा होशियार मत बन, चल निकल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है, अगर नहीं गई तो हमें तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालना होगा, हमें हमारे साथ कोई बुरी याद नहीं चाहिए, समझी। मीरा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके ससुराल वालों को ना उसकी ना ही उसके बच्चों की कोई कदर थी। तभी मीरा की छोटी बच्ची मीरा से, माँ अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, गांव में सब तरफ पानी है बेटा, और रामू काका दूसरे गांव से आज ही लौटे हैं, तो मैंने उनकी बात सुनी थी कि दूसरे किसी भी गांव में लोगों को आने नहीं दे रहे, अब हमारे पास पहाड़ी पर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। माँ अगर हम किसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रास्ते पर रहे तो? नहीं बेटा, गांव के लोग हमें वहाँ रहने नहीं देंगे, और वहाँ भी तो बाढ़ का पानी आ सकता है, हमें लोगों की नज़रों से दूर पहाड़ी पर ही जाना होगा, हमारे नसीब में भगवान ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मीरा अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी पर चली जाती है। पहाड़ी पर जाते ही मीरा देखती है कि पहाड़ी पर बहुत सारे बांस के पेड़ है और बहुत सारे फल के भी पेड़ है। तभी रिया मीरा से, माँ यह कितना अच्छा लग रहा है, और देखो खाने के लिए बहुत सारे फल भी है, अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और पेट भर के फल खा सकते हैं। हाँ माँ, और यहाँ पर बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता, यहाँ पर अच्छी ठंडी हवा है और फल भी है, गांव में तो फल मिलते ही नहीं, अच्छा हुआ गांव में बाढ़ का पानी आ गया, इस कारण हम इतनी अच्छी जगह पर तो आ पाए। बच्चों बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है, बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है, हम जंगल या पहाड़ी पर कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। मीरा बच्चों के साथ बात कर रही थी, तभी वहाँ पर उनके सामने एक घायल खरगोश आता है। मीरा उस खरगोश को देखकर उसे अपने हाथों से उठाती है और उस पर कुछ औषधि वनस्पतियों से लेप लगाकर उसे छोड़ देती है। तभी रिया, माँ इस खरगोश को तो आपने औषधि लगा दी, लेकिन हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है, हम उन्हीं की वजह से तो सांस ले पाते हैं ना, और उन्हीं से तो हमें फल मिलते हैं, हमें उन्हें काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर माँ हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाएंगे और उसी से झोपड़ी बनाएंगे, वहाँ पर देखो कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई है। मीरा अपने बच्चों के साथ सब सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू करती है।
बड़ी मेहनत करके वो झोपड़ी के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही थी, तभी मोहन तालाब की तरफ घास लेने के लिए चला जाता है। मोहन मोहन बेटा, वहाँ पर अकेले मत जाओ, हम पहले झोपड़ी बनाएंगे फिर घास लेने के लिए जाएंगे। मोहन मीरा की कोई बात नहीं सुनता और तालाब की ओर चला जाता है। तभी मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ। क्या हुआ मोहन, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मुझे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। ये बात सुनकर मीरा और रिया दोनों रोते हुए मोहन की तरफ दौड़ते हैं और तभी मोहन बेहोश हो जाता है। मोहन मोहन, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? उठ जा मोहन। बेटा बेटा उठ जा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले मेरे पति को छीन लिया, फिर घर, और अब ये मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लोगे? भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान। तभी पेड़ों में से एक आवाज आती है, मीरा मैं जादुई बास हूँ, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम पेड़ों के बारे में अपने बच्चों को समझा रही थी, ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जिंदा कर रहा हूँ, और हाँ, तुम मेरी लकड़ियाँ इस्तेमाल करके एक घर बनाओ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना डर के रह सकता है और तुम अन्य लोगों का भी भला कर सकती हो। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं मीरा, ये कोई सपना नहीं है, मैं अभी तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा और जादुई बास की लकड़ियाँ भी तुम्हारे सामने आ जाएंगी जिससे तुम अपना आलीशान घर बना सकती हो, और हाँ, जैसा तुम मन में सोचोगी वैसा ही घर बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा, बस तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लो। मीरा और रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। आंखें बंद करने के बाद जादुई बास से जैसा मीरा ने अपना घर सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। तभी मोहन जिंदा हो जाता है, उसने अपनी माँ और बहन को आवाज लगाई, माँ, रिया दीदी। मोहन, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो सिर्फ सोया था, लेकिन तब तक आप दोनों ने मिलकर इतना सुंदर घर बना दिया। घर? कौन सा घर? दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बास का एक शानदार जादुई घर था, वो भी बिल्कुल जैसा मीरा ने सोचा था। तीनों खुश होकर जल्दी से घर में जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें वो घर नहीं एक बड़ा महल लग रहा था। मोहन और रिया घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें घर बहुत पसंद आता है। अब वो तीनों वहाँ रहने लगे, उन्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, अब उनके सारे दिन मजे से गुजर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मीरा ने देखा कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि लोग घबरा कर अब पहाड़ी पर आने लगे थे। मीरा सबकी मदद कर रही थी। एक दिन मीरा की सासू माँ और ससुर को एक रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाढ़ से बाहर निकलकर उन्हें पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था। तभी मीरा के ससुर का ध्यान मीरा पर गया। अरे, ये मीरा ने तो यहाँ घर बना लिया है, अगर हम दोनों मीरा के घर में रहे तो हम दोनों सेफ रहेंगे। मीरा के सास ससुर भागते हुए मीरा के पास पहुँच जाते हैं और मीरा से, मीरा मुझे माफ कर दो, हम दोनों को बचा लो, हमें तुम्हारे घर में ले लो मीरा। तभी मोहन मीरा के पास आकर मीरा से कहता है, नहीं माँ, हम इन्हें हमारे घर में बिल्कुल नहीं लेंगे, हम इनके सामने कितने रोए गिड़गिड़ाए लेकिन इनको हम पर बिल्कुल दया नहीं आई, तो अब हम क्यों इन्हें हमारे घर में ले? बेटे ऐसे नहीं बोलते, माँ जी पिताजी, मोहन अभी छोटा है, कुछ भी बोल देता है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आइए आप अंदर आ जाइए। मीरा के सास ससुर ने जैसे ही बास के जादुई घर में पैर रखने की कोशिश की तो जादुई बास के घर ने उनको पहाड़ी से नीचे जाने वाली बाढ़ में बाहर फेंक दिया। मीरा के सास ससुर उस बाढ़ में बह गए। अब एक दो दिन में ही बारिश कम हो गई थी। मीरा ने और उसके बच्चों ने पहाड़ी पर आए लोगों की और जानवरों की मदद की। अब कुछ लोगों ने मीरा के साथ पहाड़ी पर ही रहने की ठान ली। सभी लोग मिलजुल कर पहाड़ी पर जादुई बास के घर में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मुंबई शहर में मंजुला अपने पति मनीष और दोनों बेटे सोहम और रोहन के साथ रहती थी। एक बार अचानक मंजुला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर को चोट लग जाती है, और चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर ने तुरंत ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन करने के लिए कहा था। मनीष के माता पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे, तो ओम और सीमा के अलावा मनीष का कोई नहीं था,
इस कारण मंजुला के पति मनीष ने उसकी देखभाल करने के लिए गांव से अपनी बड़ी भाभी सीमा को बुलाने का निर्णय लिया। हेलो, मनीष का भाई ओम वो फोन उठाता है। हेलो भैया, मैं मनीष बोल रहा हूँ। मंजुला का एक्सीडेंट हुआ है और मंजुला के पैर को बहुत चोट आई है, इसलिए डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के लिए कहा है। और आप तो जानते हो भैया, मेरा काम कितना होता है, तो मैं चाहता हूँ अगर भाभी कुछ दिन मंजुला के पास आए तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा। मनीष, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? बहुत खराब है भैया। मंजुला के ऑपरेशन की खबर सुनते ही मनीष की भाभी सीमा अकेले ही अपनी देवरानी की देखभाल करने के लिए शहर में आ जाती है। दो तीन दिन बाद ही मंजुला के पैर का ऑपरेशन हो गया। सीमा ने मंजुला का बड़े अच्छे से ख्याल रखा, साथ ही दिल से बच्चों की देखभाल की। सीमा मंजुला के पास जितने दिन रही उतने दिन घर भी बड़ा साफ सुथरा रखा, ताकि मंजुला या मनीष को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के खाने से लेकर नहाने सुलाने तक सारे काम सीमा करती, जिससे मंजुला को आराम भी खूब मिला। मंजुला अपने मायके फोन पर बातें करती तो अपनी माँ को सीमा के बारे में सारी बातें बताती। मंजुला, तेरी गवार जेठानी को और काम ही क्या है? अरे वो तो बस अपने देवर के सामने अच्छे बनने का दिखावा कर रही है, इसीलिए तो तुम्हारी बड़ी सेवा कर रही है। माँ, तुम तो जानती हो मैं तो अपने जेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूर में उनको यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन माँ, सच में अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माँ, आपको पता है आजकल मनीष घर आते ही भाभी की इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो ही मत। देखा, कह रही थी ना मैं, अब तो समझ जा बेटी, तेरी जेठानी की नजर सिर्फ और सिर्फ मनीष के पैसों पर है, पैसों पर। अपनी माँ की बातें सुन मंजुला के मन में भाभी के खिलाफ जलन होने लगी थी। वो अब मनीष की कान भरने लगी। मनीष बार बार मंजुला को समझाता, मंजुला तुम जैसा सोचती हो वैसा भाभी कुछ भी नहीं करती, वो तो अपने सारे काम मन लगा कर करती है। और हाँ, भैया भाभी को कोई लालच नहीं है, वो ये सब मेरे पैसे के लिए नहीं कर रहे। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। माँ पिताजी के जाने के बाद भाभी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। घर के हालत इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी भाभी के जिद के कारण मुझे भैया भाभी ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। मनीष के पढ़ाई के लिए सीमा को अपने गहने भी बेचने पड़े थे। जब सीमा छोटी थी तभी उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, तो उनके मामा जी ने ही उनकी परवरिश की थी, उन्हें पाला पोसा, उनकी शादी करवाई। शादी में जो गहने उन्हें मिले थे उन्हें बेचकर उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मंजुला के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई प्यार या आदर भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। 2 महीने बीत चुके थे, मंजुला अब उठकर सब कुछ करने लगी थी, तो उसका सीमा के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन सीमा मनीष को कुछ नहीं बताती। अब सीमा अपने गांव वापस जाने की तैयारी करती है। मनीष, मुझे यहाँ आए बहुत दिन बीत चुके हैं, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वहाँ पर बच्चे भी मेरी राह देख रहे हैं, तो मेरा टिकट करवा देना। भाभी, आप कुछ दिन और रुकती तो बहुत अच्छा लगता। नहीं मनीष, अब नहीं, हम सब फिर वापस मिलने आएंगे। सीमा अपने गांव वापस लौट जाती है। मंजुला को हमेशा से ही मनीष इंजीनियर होने और खुद भी पैसे वाले घर से होने का बड़ा घमंड था। अब मंजुला ने ठीक 8 महीने बाद अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बना लिया था। अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों को मंजुला ने निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने जेठानी को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन फिर भी जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले ही जेठानी सहपरिवार मंजुला के घर आ पहुंची। इन लोगों को जन्मदिन पर किसने बुलाया? मैंने तो इनको निमंत्रण ही नहीं दिया था, तो ये यहाँ कैसे आ गए? मंजुला को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने बुलाया है, मैंने टिकट निकाल कर उन्हें यहाँ बुलाया है। बहुत आग्रह करने के बाद भैया भाभी आने के लिए तैयार हुए हैं। अगले दिन शाम के समय सारे मेहमान आने लगे और मंजुला के बेटे के लिए तोहफों का ढेर लग चुका था। सीमा ने अपने लाए हुए उपहार मंजुला के कमरे में रख दिए और बाहर चली गई। बाहर जाकर मेहमानों की खातिरदारी करने लगी। मनीष अपने सारे दोस्तों को अपने भैया भाभी से मिलवाता है। मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी के बदौलत हूँ, ये भी बताने में नहीं चुकता। तभी मंजुला अपना मेकअप ठीक करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे उसकी माँ और भाभी भी जाती है।
देखो तो तेरी गवाह जिठानी क्या लेकर आई है मेरे लाडले नाती के लिए। होगी एक हर ड्रेस, वो भी 100 रुपए की। मंजुला ने उपहार खोल के देखा तो उसमें एक सोने की चेन, बारीक जरीदार कुर्ता, दूसरे बेटे के लिए शर्ट, साड़ी और मनीष के लिए कपड़े थे। इतना सुंदर कुर्ता और चेन देखकर मंजुला और उसके मायके वाले तो हैरान रह गए। अरे मंजुला, कितना सुंदर काम किया है इन कपड़ों पर, मेरी बुटीक वाली तो 10,000 रुपए लेकर भी ऐसा काम नहीं कर देती। अरे वाह, तेरी गवार जेठानी तो बड़े काम की है। मेरी मान, तू कुछ छोटी छोटी चीजें उससे डिजाइन करा ले, तेरे कहे पे तो घर के वो दो चार काम भी कर जाएगी। ऐसे ही इमोशनल कर लिया कर उसे। हाँ माँ, मुझे अच्छे से पता है इनको कैसे हैंडल करना है। ऐसे गवार औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इनकी तारीफ। एक बार इनकी तारीफ कर दो और उनसे कोई भी काम करवा लो। सीमा मंजुला को बुलाने के लिए उसके कमरे में आ रही थी, तभी उसने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। तभी सीमा मन ही मन मैं कितने प्यार से और अपनेपन से कुर्ते पर हाथ से कढ़ाई कर रही थी। घर और खेती का काम संभाल कर जो बन पाया वो मैंने किया। मंजुला को वो पसंद भी आया। लेकिन मंजुला हमारे बारे में ऐसे भी कभी सोच सकती है, इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी पीछे से मनीष अपने भाभी को अंदर लेकर आता है। वाह अरे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, जो मेरे डबल एमकॉम भाभी के प्यार को गवार कह रहे हैं। मंजुला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ थे जब तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ तब तुम्हारी अपनी माँ भी तुमसे मिलने नहीं आई। ये भूल गई कि भाभी ने तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखा और हमारे बच्चे तुमसे ज्यादा अपनी बड़ी माँ के पास रहने लगे थे। दामाद जी, आप हमारे बारे में गलत सोच रहे हो। आप तो जानते हो हमारा कितना बड़ा कारोबार है, हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही काम में व्यस्त थे, बस इसीलिए नहीं आ पाए। मंजुला, तू चुप क्यों है, समझाना दामाद जी को। मनीष मंजुला की ओर गुस्से से देखता है तो मंजुला की नजरें नीचे झुक जाती है। मैं सब समझता हूँ मंजुला, बाहर मेहमान आए हैं, तुम्हारा मेकअप अगर ठीक हो चुका है तो नीचे आ जाना। मनीष अपने भाभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस वक्त मंजुला खुद को बहुत गलत महसूस कर रही थी, वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जैसे ही मंजुला नीचे पहुँचती है तो होस्ट ने कहा, अब हमारे लिटिल मास्टर अपने मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। तभी मंजुला ने होस्ट को कहा, मम्मी पापा नहीं, आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। मंजुला की माँ उसे हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। तभी मंजुला, माँ मेरा हाथ छोड़ दो और अब बस भी करो माँ, मेरी जेठानी गवार नहीं है और आपसे अनुरोध है कि अब आप कभी हमारे घर में दखलंदाजी मत कीजिए, आप अपने काम से काम रखा करो। ऐसा कहकर मंजुला सीमा, ओम और मनीष को अपने साथ लेकर स्टेज पर जाती है। सीमा और ओम को अपने बेटे के साथ केक कट करने की रिक्वेस्ट करती है। तभी सीमा, मंजुला तू मेरी छोटी बहन है और मनीष मेरे बेटे जैसा, तो आज तक जो गलत फहमियाँ हम सब में थी वो खत्म हो चुकी है, तो चलो अब सब मिलकर केक काटते हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही मंजुला अपने जेठ जी और जेठानी जी से माफ़ी मांगती है और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी और की बातें सुनने से तो अच्छा है कि हम खुद की मन की बात सुने, अपने मन की आवाज सुने और अपने आंखों और कानों पर विश्वास करें। किसी और की बातें सुनकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करें।